अपने आप को एक ही जगह तो अपने आप को बापू समझता है। तू डांस कर, तुम मैं कहूं वैसा कर। मैं मेरी वाइफ के साथ दो चार बार गया हूं साड़ियां लेने, ये खुद ही जाती है मस्त। एक दो बार गया तो बेचारा बेचने वाला पुरुष और वो इसने कहा नो, इसने कहा नो। मैंने कहा साला पुरुष की मर्दानगी पे ये क्या कर रहा है तू? वो कंफ्यूज हो रहा है साला, ये ग्राहक का पति है, मुझे मेरी मर्दानगी ललकार रहा है साले तू। पता है वो क्या बोला? पापी बेट है सर, मुझे मुजरा भी करवाएंगी ना ये तो मैं करूंगा सर। क्यों? मुझे बेचना है सर। वो मुजरा कर सकता है, अपन अच्छी बात नहीं कर सकते। अंबानी ने इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल मैनेजर के पद के इंटरव्यू लेने के लिए लोगों को बुलाया। एक आदमी सबसे ज्यादा योग्य था, वो आया और वो हेकड़ी दिखा रहा था धीरूभाई अंबानी को। उसका एटीट्यूड ऐसा था एम बापू। धीरूभाई अंबानी को समझ में आ गया ये ज्वाइन नहीं करेगा। उसका एटीट्यूड जबरदस्त था। जब वो उठ के जा रहा था तो धीरूभाई अंबानी ने लास्ट में बोला, अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो बैठ गया। आपको किसने बताया? मुझे पता चला, धीरूभाई अंबानी जीवन में जिस इंसान से मिलते थे ना, उसकी जन्म कुंडली पहले रखते थे। असली ब्रह्मास्त्र अगर आते ही मार देते ना धीरूभाई अंबानी जी, नहीं होता काम। अपने जीवन में सर्विस के साथ अपनापन पेश करो, कई गुना रिजल्ट्स बढ़ जाए। माँ बाप भूखे रह सकते हैं, उनको तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के सारे सुख देकर भी अगर तुमने बात नहीं की ना, मजा नहीं है जिंदगी का। आधे से ज्यादा दुनिया के लोग ये सोच के सब दे रखा है ना, माँ को टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता? अरे सुन साले, कुत्तों को भी मिलता है टाइम पे, तो क्या बकवास कर रहा है? टाइम पे खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? उनसे बात कर जाके, सर पत्नी को सब चीजें दे रखी है, क्या कमी है उसको? सुन बकवास मत करे, बात कर जाके, बात कर जाके। सारी दुनिया के सबसे ज्यादा रास्ते प्रेम के कानों से गुजरते हैं, उससे बात कर जाके।